तो मई के इस महीने में भले ही सूरज आग बरसा रहा हो, पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका हो, ऐसे में हम आपको बताते हैं घर को ठंडा रखने का ग्रीन फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला जिससे ना सिर्फ आपका घर कूल कूल रहेगा बल्कि गर्मी के मौसम में आपको मिलेगा खुशनुमा एहसास। लखनऊ में ये है सौरभ त्रिपाठी का घर। तस्वीरों को देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये घर दूसरे घरों से खास क्यों है। गर्मी के मौसम में सबको थोड़ी राहत की जरूरत होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो पेड़ पौधे हो। जिन लोगों के घर में टेरेस गार्डन है या जो लोग बागवानी का शौक रखते हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं टेरेस गार्डन, ऐसा खूबसूरत जो देखने में तो सुंदर है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ पौधे यहाँ पर जो लगे हैं उनको भी काफी राहत मिल रही है जिस तरह से यहाँ गार्डन बनाया गया है। छोटे बड़े हरे भरे पेड़ पौधे इस घर को स्पेशल बना रहे हैं। हरा भरा टेरेस गार्डन सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। टेरेस गार्डन की वजह से ये घर दूसरे घरों के मुकाबले कम गर्म होता है। यही वजह है कि आसपास के और लोगों के मुकाबले गर्मी में सौरभ त्रिपाठी और उनका परिवार ज्यादा सुकून से रह रहा है। पौधों की खासियत है वो धूप झेलते हैं और ठंडक हम लोग को देते हैं, और ये पौधे हमेशा से करते आ रहे हैं। वो जो बाहर की हार्मफुल जो ऑक्सीजन वो CO2 है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, और इससे वो बाहर की जो गर्मी की जो तपिश है वो खुद तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ठंडक हम लोग को दे रहे हैं, हमारे घरों को दे रहे हैं। गार्डनिंग एक्सपर्ट सौरभ त्रिपाठी के अनुसार छोटी सी जगह पर भी टेरेस गार्डन सेटअप कर आसपास के कमरों का तापमान कम किया जा सकता है। हालांकि उनकी सलाह है कि गर्मियों के लिए पौधे का सिलेक्शन सोच समझकर ही करना चाहिए। सबसे पहले जरूरी है कि हम कौन से पौधे लगा रहे हैं टेरेस पे, इतनी गर्मी में कौन से वो पौधे हमारे वो सरवाइव कर पाएंगे, उसका सिलेक्शन सबसे जरूरी है। और उसके लिए जो मैंने लोगों को बताया हुआ है, आप एक लिस्ट तैयार कर लिए। गर्मियों में फ्लावरिंग शर्ब्स काफी अच्छी आती हैं, टिकोमा की कुछ ऐसी वैरायटीज है जो राउंड या पूरे साल भर फ्लावर करती हैं, गर्मियों में तो और अच्छी फ्लावर करेंगी वो। गुड़हल की भी कई ऐसी वैरायटीज है, बोगनविलिया की कई ऐसी वैरायटीज हैं, कुंद की है, फ्रेग्रेंस प्लांट्स कई सारे हैं, कुंद है, मोगरा है, जूही है, चमेली है, इस सब कई वैरायटीज ऐसी हैं जो 40-45 डिग्री में भी आसानी से फ्लावरिंग भी करेंगी और अपने आप को हम लोग को राहत भी देंगी। और ऐसे कई सारी वैरायटीज हैं जो हम फ्रूट्स में भी लगा सकते हैं, वेजिटेबल्स में लगा सकते हैं। पौधों को गर्मी से बचाना बेहद जरूरी होता है, इसके लिए एग्रो शेड नेट लगाया जा सकता है। इससे धूप छनकर आती है और पौधे यूवी रेज से बचे रहते हैं। पौधे तो दिन भर बाहर रहते हैं, अब उनको कैसे इस गर्मी से बचाना है, तो अभी तो हाल फिलहाल के लिए हम लोग के लिए यही एक माध्यम है, ये एक एग्रो शेड नेट हमने लगाया हुआ है। इस एग्रो शेड नेट की वजह से हम लोग 75% यूवी रेज को रोक पाते हैं, उससे पौधों को जो धूप है वो छन के मिल पा रही है, और जो अल्ट्रावायलेट रेज है हार्मफुल है अपनी स्किन के लिए भी पौधों के लिए भी, वो अल्ट्रावायलेट रेज 75% तक रुक जा रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार गर्मी के मौसम में पौधों को दो बार पानी देना जरूरी है, पौधों को नमी मिलती रहे और गर्म हवा और साथ ही लू में भी इनकी जड़ों में आर्द्रता बनी रहे, उसके लिए मॉस ग्रास लगाई जा सकती है। ये मिट्टी पर मॉइस्चर को 3 से 4 दिन के लिए रोक लेती है। इस तरह से गर्मी जब बहुत ज्यादा पड़ती है तो इंसानों को भी राहत की जरूरत होती है, उस तरह से पेड़ पौधों को भी राहत की जरूरत होती है। और अगर जरा सा आप उनका ध्यान रखें और केयर करें तो उनकी भी मुश्किल आसान हो सकती है और वो आपको भी राहत पहुंचा सकते हैं। जैसे कि सौरभ त्रिपाठी जी ने बहुत सारे टिप्स ऐसे बताए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए टेरेस गार्डन वो लोग बना सकते हैं जिनके पास बहुत जगह नहीं है लेकिन गर्मी में जो पेड़ पौधों से राहत चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।